सो हेलो गाइस, सो वेलकम करते हैं आपका आज की एक और नई वीडियो में। और गाइस आज भी मेरे पास आपके लिए बहुत ही सारी कमाल की एनीमे अपडेट्स है। और गाइस आज की एनीमे अपडेट्स कुछ ऐसे होने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे कहां गया, कहां गया। जी हाँ गाइस, आज आपका कुछ ऐसा ही रिएक्शन होने वाला है क्योंकि आज की एनिमे अपडेट कुछ इसी तरह की है। जैसा कि गाइस नारुतो शिपुडन का ऑफिशियल डब कंफर्म हो चुका है, वो भी क्रंची रोल के लिए। और गाइस बात करेंगे वन पीस को लेकर, क्योंकि वन पीस को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है हमारे पास, और इसके हिंदी डब के बारे में भी आज पूरी तरीके से बात करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और अगर आप भी इन अपडेट्स को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और यार सभी भाई लोग यार वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो भाई लोग यार सपोर्ट जरूर से करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ और एनिमे अपडेट्स के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रैगन बॉल के बारे में। जी हाँ गाइस, अब सभी लोगों को पता होगा बहुत दिनों से हमारे पास ये लीक्स आ रही थी कि कोई न्यू ड्रैगन बॉल की एनिमे सीरीज आने वाली है। और गाइस हम सभी ये लगाकर बैठे हुए थे कि ये शायद ड्रैगन बॉल सुपर 2 हो सकता है। जी हाँ गाइस, बहुत ही सारे फैंस के दिमाग में यही सवाल होगा, मैं जानता हूँ। और मैं भी गाइस यही सोच रहा था कि ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 होगा, लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। गाइस हमें हमारे लीक्स के अकॉर्डिंग पता चला है कि जो ड्रैगन बॉल की न्यू सीरीज होने वाली है, ये एक वेब एनिमे होने वाला है। और गाइस इस सीरीज का नाम होने वाला है ड्रैगन बॉल मैजिक। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही समझा। गाइस इसमें हमारा गोकू और सुप्रीम काय की स्टोरी लाइन है। गाइस इस सीरीज में गोकू और सुप्रीम काय का एक अलग एडवेंचर है, जिसमें गोकू बहुत ज्यादा छोटा होता है, लेकिन न्यू एडवेंचर पे निकल जाता है। तो गाइस देखते हैं सीरीज कैसी होती है तब तक के लिए, और इस अपडेट के लिए वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हो गाइस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के बारे में। तो गाइस फाइनली जुजुत्सु काइसन सीजन 2 हिंदी डब के साथ क्रंची रोल पर स्ट्रीम हो रही है, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। मतलब गाइस एक ट्रेंडिंग एनिमे वो भी हिंदी डब के साथ हमें देखने के लिए मिल जाएगा, इससे बड़ी बात क्या ही सकती है। और गाइस इसका अभी तक एपिसोड 1 ही आउट हुआ है, और गाइस मैंने सच में देखा है, और भाई डबिंग तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है भाई, जरूर से आप भी चेक आउट जरूर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और बात करते हैं टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में। तो गाइस टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 1 हिंदी डब कंप्लीट हो चुका है, और गाइस ये एनिमे भी हमें बहुत ही जल्द हिंदी डब के साथ क्रंची रोल पे देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब गाइस एनिमे फैंस के तो बिल्कुल मजे आ गए भाई, एक से एक पॉपुलर एनिमे हिंदी डब होते जा रहा है और हमें बेस्ट कंटेंट देखने के लिए मिलता जा रहा है। तो यार इसके लिए तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए गाइस अब फाइनली बात कर लेते हैं वन पीस के बारे में। तो गाइस वन पीस को लेकर हमारे पास एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है। जी हाँ गाइस, अब वन पीस को हम फाइनली लीगली इंडिया में देख पाएंगे, वो भी सिर्फ क्रंची रोल पर। जी हाँ गाइस, वन पीस फाइनली ऑफिशियली स्ट्रीम हो रहा है क्रंची रोल पर, लेकिन गाइस इसकी कुछ जानी मानी आर्क है जो कि सिर्फ इंग्लिश सब के साथ अवेलेबल है, तो आप इसको जाकर जरूर से मजे उठा सकते हो। और गाइस हो सकता है क्रंची रोल वाले आगे जाके इसमें हिंदी डब भी ऐड कर दे, गाइस फिर तो और ज्यादा मजे आ जाएंगे। और भाई अब सभी लोग सोच रहे होंगे कि वन पीस तो इधर आ गया तो भाई टीवी पे क्या आएगा, लेकिन गाइस इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि भाई वन पीस ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है। जी हाँ गाइस, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि वन पीस हमें कहाँ पर कैसे देखने के लिए मिलेगा, अगर आपने वे चेकआउट नहीं करी तो आप कर सकते हो। लेकिन गाइस मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वन पीस हमें नवंबर में बिल्कुल कंफर्म देखने के लिए मिलेगा, और वो भी सिर्फ टीवी चैनल पर। लेकिन गाइस अभी ये बताना कि ये कौन से चैनल पे आएगा ये तो अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम रूमर्स की बात करें तो बताया जा रहा है कि हमें सोनी ये पर ही देखने के लिए मिलने वाला है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, और गाइस ये अपडेट निकल के आ रही है जी कैफे की तरफ से। तो गाइस जी कैफे ने एक एनिमे फैन फेस्ट रखा है अपने टीवी चैनल पर, जहां
जहां पर आपको उनको मिस कॉल लेकर पुराने एनिमे शोज उस पे वापस ला सकते हो। और ये गाइस कुछ ज्यादा खास नहीं है, मगर बहुत ही सारे बंदे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी कैफे पे हमें कोई न्यू एनिमे क्यों नहीं देखने के लिए मिल रहा। लेकिन गाइस जी कैफे की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, पर गाइस मैं यही कहूंगा कि थोड़ा बहुत इंतजार कर लो ताकि हमें कोई न्यू एनिमे देखने के लिए मिल जाए। और यार इस अपडेट के लिए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो यार आप कमेंट करके जरूर से बताना वो कौन सा एनिमे हो तो सकता है। हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं माय हीरो एकेडमिया के बारे में। तो गाइस आपको पता होगा माय हीरो एकेडमिया कार्टून नेटवर्क पे हिंदी डब के साथ टेलीकास्ट हो रहा है गाइस, जिसकी हिंदी डब काफी ओपी है। गाइस मैंने खुद ही देखा है और भाई मजा आ गया था उसकी हिंदी डब देख। और माय हीरो एकेडमिया को कार्टून नेटवर्क पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिला था। और गाइस साथ ही में इसका सीजन 1 भी 15 एपिसोड पर वहीं पर एंड कर दिया गया और था। गाइस इसका सीजन 2 भी एकदम से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कल के दिन ही हमें इसका सीजन 2 भी देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कार्टून नेटवर्क ने खुद ही कंफर्म करा है कि माय हीरो एकेडमी की मूवी भी हिंदी डब के साथ जल्द ही कार्टून नेटवर्क पे आने वाली है। गाइस ये मूवी शायद से हमें दूसरे मंथ या फिर अगले महीने ही देखने के लिए मिल जाए। तो यार इस अपडेट के लिए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से बनता है। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस अब बात करते हैं डिटेक्टिव कोनन के बारे में। तो आपको पता होगा ईटीवी बाल भारत पे डिटेक्टिव कोनन के बहुत ही दिनों से न्यू एपिसोड बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसकी डबिंग रुक चुकी थी। लेकिन गाइस वॉइस आर्टिस्ट ने खुद पोस्ट करके बताया है कि इसकी डबिंग फिर से चालू हो चुकी है और न्यू एपिसोड जल्द ही आएंगे। तो गाइस चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। बात कर लेते हैं डीमन स्लेयर के बारे में। तो गाइस डीमन स्लेयर कोलैब कर रहा है हमारे फ्री फायर इंडिया के साथ। जी हाँ गाइस, कल फ्री फायर इंडिया ने पोस्ट करके बताया था फैंस को एक हिंट देने के लिए, और गाइस हमने जान लिया कि ये डीमन स्लेयर ही है। और गाइस फ्री फायर में इसके बंडल इमोट्स का सब चीज आने वाले है। तो गाइस आप जरूर से कमेंट करके बताना कि आप फ्री फायर खेलते हो या फिर नहीं। तो चलिए गाइस फाइनली बात कर लेते हैं हमारे लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो बात कर लेते हैं क्रंची रोल के बारे में। तो गाइस क्रंची रोल ने अपने अपकमिंग एनिमे हिंदी डब एनिमे और सब एनिमे का शेड्यूल निकाला है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें गाइस 30+ एनिमे है गाइस, जो कि हमें हिंदी डब या फिर सब देखने के लिए मिलेंगे, वो भी सिर्फ क्रंची रोल पर। और गाइस इसमें से कुछ एनिमे हिंदी डब होंगे, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे एंशिएंट ब्राइड करके कुछ एनिमे है, ये हिंदी डब होने वाला है। और गाइस और भी एनिमे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सभी हिंदी डब होने वाले है। तो बात कर ले तो चलिए गाइस फाइनली बात कर लेते हैं नारुतो शिपुडेन के बारे में। तो गाइस एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज निकल के आई है। गाइस आपको पता होगा नारुतो शिपुडेन की रीजनल डबिंग अभी चालू है, वो कि सभी उसमें डब हो रहा है। और गाइस हम सभी फैंस ये लगाकर बैठे थे कि शायद वो हमें सोनी पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन गाइस अभी बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है, गाइस ये हमें सोनी पर नहीं बल्कि क्रंची रोल पर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ गाइस, क्रंची रोल ने खुद ही कंफर्म करा है। और गाइस अब बहुत ही सारे फैंस सैड हो गए होंगे कि भाई हमें सोनी पर तो नहीं देखने के लिए मिलने का। और गाइस मैं भी आप ही की तरह बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। लेकिन गाइस कोई बात नहीं, चलता है, हम क्रंची रोल पर भी देखकर मजे उठा सकते हैं, क्योंकि भाई नारुतो शिपुडेन है बहुत ही ज्यादा सेंसर हो सकती है, जिसकी वजह से सोनी पर नहीं दिखाना चाहते। तो गाइस यार आप भी थोड़ा समझो। और गाइस आज ही चलिए वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही एनिमे अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।